हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द थिंग्स रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएचयू, यूपीटीयू एंड ऑल दीज एग्जाम। एज आई हैव हर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड दे आर अनएबल टू हैव देयर प्रिपरेशन। सो आई एम प्रेजेंटिंग ओवर हियर सम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू ऑल फॉर अपीयरिंग इन दिस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज वी आर जैसे कि अगर आपको अगर बी एच यू, यूपीटीयू, क्यूसेट, कलिंगा और डिफरेंट एग्जाम देने, स्पेशली यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे बी एच यू एग्जाम के लिए और कुछ पार्ट कवर कर लेंगे, कुछ टॉपिक जो उसमें नहीं आते हैं, जैसे कि हम लोग इक्वली हेल्पफुल रहे जो बाकी के दूसरे एग्जाम में हम लोगों को अपीयर होना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बी एच यू के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या है। आप लोगों ने नेट पे देखा ही होगा, बी एच यू बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ही सिलेक्शन होता है बीएससी मैथ्स के लिए, स्पेशली जो बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इनरोल होना चाहते हैं यूपी के तो मोस्टली, और ये कहें तो गलत नहीं होगा, इंडिया भर के बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्शन पाना इतना मुश्किल भी नहीं है और थोड़ा मुश्किल भी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत इन द सेंस बीएचयू का जो एग्जाम होता है उसमें हमारे 50 मार्क्स का फिजिक्स, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर मैथ्स ग्रुप है 50 मैथ्स, तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे और 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, तो टोटल 450 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें हमें 2.5 घंटे मिलते हैं, हमें यहाँ पर 2.5 घंटे मिलते हैं और यहाँ पर जो जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 210 से 225 नंबर के बीच में जाती है, 210-225 नंबर की। नियर अबाउट 35,000 बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे, नियर अबाउट 35,000 स्पेशली फॉर मैथ्स ग्रुप यूजी प्रोग्राम। और जो हमारा यहाँ सिलेक्शन होता है वो 460+60 70 गर्ल्स, 530 सीट होती है जिनमें से 70 स्पेशली रिजर्व फॉर द गर्ल्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप 460 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है जिनका इसमें रैंक आती है, वो लोग आईआईटी, जेईई मेंस और दूसरे एग्जामों में निकल जाते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं तो क्विट कर जाते हैं। तो नियर अबाउट अगर आपकी 700 से 800 रैंक के बीच में अगर आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा रैंक आ रही है तो आपको फिर प्रॉपर सब्जेक्ट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, 210 मार्क्स लाने के लिए नियर अबाउट आपको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, आपको आउट ऑफ 150 क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व ओनली 70 क्वेश्चन। अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो गए तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस एंट्रेंस एग्जाम में। 70 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील आउट ऑफ 150, जिसमें से आप देखिए अगर 50 में से अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट आपके 50 में से 10 क्वेश्चन मेरे इसके बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे आते हैं, हम आपको पेपर बताएंगे क्वेश्चन में, कई पेपर आपको करवाए जाएंगे उसमें देखेंगे आप, इसमें भी 10-10 क्वेश्चन से एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए और मतलब थोड़ा सा अप्रोच लगेगा, आप बड़े आराम से इसको क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो 7-8 क्वेश्चन इधर पे याद है। तो डियर बोर्ड हम लोगों के कितने हो गए, 70-80 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो स्टूडेंट ने अगर बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो वो 18 क्वेश्चन फिजिक्स, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 18 क्वेश्चन मैथ्स को बड़े आराम से कर सकता है। उसके बाद हमारे हर इसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हमारे जो जिसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, या तो अगर आपने किसी उसके लिए आपको थोड़ा सा बुक के बाहर की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो टोटली अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, स्पेशली अगर आपने उसकी एडिशनल प्रॉब्लम भी सॉल्व की है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आईसी बोर्ड और बोर्ड के लिए केवल पढ़ा है तो आपको कुछ क्वेश्चन जैसे कि जेईई मेंस के पुराने पेपर के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इजिली अगर आप चाहें तो 54-60 क्वेश्चन अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, और थोड़ा सा एफर्ट करके अगर आपने 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए और आपने नियर अबाउट अगर 80-90 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए और आपकी एक्यूरेसी रेट अच्छी है और आपके 65-70 क्वेश्चन अगर आपके 80-90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए
या ज्यादा से ज्यादा अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इनमें से अगर आपके 85 क्वेश्चन सही हो गए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको 150 क्वेश्चन में से बस आपको 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने की जरूरत है। 100 में से आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके 80 क्वेश्चन सही हो, और 150 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कम से कम 35 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने 4-5 साल के पेपर को सॉल्व किया है। तो ये पूरा प्लान है किस हिसाब से आपको करना है। एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि बच्चे कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बेसिकली जो हमारी अप्रोच है इस एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए, जो हमारा मानना है या जो बच्चे जो हमसे फैमिलियर हैं, आपको सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है कि जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर आप सही अंदाजा नहीं लगा पाए इसके डिफिकल्टी लेवल का, तो आप यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल IIT जैसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है। आपको सिंपल फॉर्मूले को पकड़ना है और हर अप्रोच को टच करना है जो अप्रोच हमारे बुक के बाहर था। जैसे कि आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्पिटिटिव सीरीज मेरी अगर YouTube पे पहले देखा होगा, Part 1 Part 2, तो आपको समझ में आ गया होगा। वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोगों ने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा इनको टच नहीं किया, इनको हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन का सवाल क्वेश्चन के जवाब समझना है, हाउ टू स्टडी एंड वॉट टू स्टडी। ये 2 बेसिक से क्वेश्चन है और ये हमारा सिलेक्शन करवा देंगे। यहाँ पर अगर हमें दोनों क्वेश्चन का समझ में आ गया आंसर क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ने के लिए आपको कुछ ये करना है, आपको पूरे 11th और 12th के सारे नोट्स रिवाइज होने चाहिए थॉरली, आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जो आपके 18-18 क्वेश्चन आते हैं, 18-18 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, ये आप बड़े आराम से 54 से 55 क्वेश्चन बड़े आराम से इजिली सॉल्व कर ले। और इसके बाद सेकेंड अप्रोच होगा हमारा, पहले नोट्स रिवाइज, पहले हम लोग क्या करेंगे नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर सेकेंड हमारा कंसेप्ट होगा हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे क्या होंगे, नियर अबाउट हमें 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना है, एटलीस्ट 3 ईयर्स के तो क्वेश्चन पेपर हमको रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हर चैप्टर में जो कि नोट्स से आगे है, जो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं थी और उनको नोट्स के अलावा हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर सिलेक्शन पाने के लिए। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने बनाया है Part 1 Part 2 Part 3, तो हर चैप्टर में जो बच्चों ने 12th में पढ़ रखा है उनका 5-5 पार्ट अलग से हर यूनिट में हमारी आएगी। और हम लोग चैप्टर वाइज देके नहीं चलेंगे, यूनिट वाइज देके चलेंगे। और ज्यादातर जिन बच्चों ने भी जस्ट एग्जाम 12th का एग्जाम दिया है उनकी मेन फोकस क्लास 11th में होना चाहिए, इसलिए 11th को हम लोग को रिवाइज करना। अब आज हम लोग यहाँ पर अभी इसको देखेंगे कि कैसे आप पढ़ें, कैसे आप करें। तो जैसे ये हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस में आपको देखिए मेजरमेंट, मेजरमेंट क्लास 11 में आप चले जाए तो ये डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसलिए इसको हम सिंपल कैटेगरी में डालेंगे, ये आपको आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर सर्कुलर मोशन ये भी इजी है, इसमें हमारा फ्रिक्शन कवर हो जाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बस आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कराने के लिए मैं वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, बड़े आराम से आप रिवाइज कर लेंगे। मुश्किल से ये जितनी यूनिट्स हैं हर यूनिट में मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा, पार्ट वाइज हम बनाएंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिवाइज करना चाहें तो बड़े आराम से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। आप एक बार में जब भी स्टार्ट करें पढ़ाई कम से कम 2 यूनिट को खत्म करें। लॉ ऑफ मोशन, आप लॉस ऑफ मोशन पूरा वो मोमेंटम वगैरह, वर्क पावर एनर्जी में हमारा ये सर्कुलर मोशन और इसका पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके वर्क पावर एनर्जी में मोमेंटम काइनेटिक थ्योरी और उसके काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है, और पावर ग्रेविटेशन पूरा क्लास 11 का, एस्केप वेलोसिटी सबके क्वेश्चन आते हैं हमारे, एस्केप वेलोसिटी फेमस कॉन्सेप्ट है, और उधर पे हमारा ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड, ये सब निकालना। हाइड्रोस्टैटिक में हमारा पूरा फ्लूइड कवर हो जाएगा, फ्लूइड में हमारा बर्नौली थ्योरम, स्टोक्स लॉ, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन सब चीजों पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वही हमारा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इन सब वेलोसिटी, और ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसको सिंपल प्रॉब्लम में इसमें नहीं रखेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वही आगे सीखा, इसमें कार्बन की इंजन का क्वेश्चन आता तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस हैं वो हमने पढ़ रखे हैं, ये क्लास 12 में हमने पढ़ रखा है, क्लास 12 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सारा आप चाहे तो वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक दो पार्ट और बताऊंगा मैं तो उन्हें ऐड कर दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को करने हैं जो एक्स्ट्रा करना है, बाकी क्लास 12 का ही पर्याप्त है। मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आर्क वगैरह से या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको करना है। एसी बहुत ही इजी पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्री के मार्क्स से। रे ऑप्टिक्स में दो पार्ट हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स में दो पार्ट होता है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इजी है आपका, रे ऑप्टिक्स में कुछ क्वेश्चन है, कुछ साइन कन्वेंशन है, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बड़े आराम से कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एटम एंड न्यूक्लिया, ये अगेन वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक वेव है जो क्लास 11th में होता है, तो इसके लिए आप लोग बुक चार प्रेफर कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज दिया। अगर आप इसको करके जाते हैं तो बड़े आराम से आप 70 से 80 क्वेश्चन बड़े आराम से करेक्ट कर सकते हैं। और आज से भी क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से नियर अबाउट आप मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम ले चुका लास्ट वीक ऑफ या तो जून के आसपास होगा, लास्ट वीक ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अगर हम लोग दिए अगर एवरेज लेके चले तो आपके पास आज से भी तैयारी करने का मिनिमम 45 डेज आपको मिलने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। तो अगर आप डेली कम से कम 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री और 1.5 घंटे मैथ को देने वाले हैं, तो बड़े आराम से आप इस एग्जाम को सक्सेस इसमें पा सकते हैं, बड़े आराम से आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। वो बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है, कई बच्चों ने बड़े बिना कोचिंग किए इस एग्जाम को निकाल लेते हैं और बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है और बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम है। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेटजी बना के चले, आप अपने क्लास 12 और क्लास 11 के नोट्स को थॉरली रिवाइज करें और बस वीडियो लेक्चर को फॉलो करते जाएं जो मैं डेली बना रहा हूँ, बड़े आराम से आप इसको बीएचयू के एग्जाम को आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और इन वीडियो लेक्चर्स को आप अगर देखते रहेंगे तो दीज आर वीडियो लेक्चर्स आर इक्वली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीटीयू एंड बिट्स एंड ऑल डिफरेंट एग्जाम। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है डेडिकेशन की। आप अगर ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं बस अब हम कर रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, घर वालों के डर में कि घर वाले चाह रहे हैं पढ़ाई करें, तो नहीं होगा। आपको डेडिकेशन लेनी पड़ेगी और आपको पढ़ना पड़ेगा इस 45 दिन में। अगर आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो और आपको मान के चलना चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं बेवकूफी की है। अब देखिए, अब जैसे हम लोगों को जैसे मैंने बताया, अगर आप लास्ट लेक्चर सीरीज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमने वीडियो बनाया है, तो आप देखेंगे कि देखो ये क्वेश्चन आया था 2017 में बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में और AI ट्रिपल ई 2005 जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। अगर उसको मैंने बोल दिया कि ये है तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो AI ट्रिपल ई 2005 का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था बीएचयू में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो कि बहुत ईजी, कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमने कहा नहीं 7-8 ईजी आते, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि कठिन नहीं होते, जो हमने जरा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्पिटिटिव सीरीज में पार्ट 2 में, बस उनका यूज करके मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस एक डेमो दे रहा हूँ कि किस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, जिससे कि आप लोग आगे मोटिवेट होते रहे और लेक्चर सीरीज को मेरे देखते रहे। तो जैसे ही पूछ लिया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम 1 कूलम चार्ज रेडिएटिंग, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर आपको पता है तो आपको पता है क्या निकालना है, फ्लक्स। फाइ इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर आपने क्लास 12th में सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे सुप्रीम एग्जाम में 2018 में, मेरे पास अभी का मॉडल है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जो बी एस यू के हैं तो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो उसमें यहाँ पर 1 कूलम चार्ज 1 डिवाइडेड बाई 8.85 × 10 की पावर -12 आपका जो आंसर आएगा, आप ऑप्शन में देखिएगा आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, टू बॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हम लोग देखते हैं कैसे भी कैसे बताया था। यहाँ पे टू बॉल प्रॉब्लम के लिए एक बॉल यहाँ पे है और यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का फोर्स मान लो यहाँ पे कहीं कोई फोर्स लगेगा तो दोनों का फोर्स एक तो हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर अगर ये बॉल हमारे यहाँ आ गई बाय चांस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ये थीटा है अगर एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाता था थीटा और ये क्या हो जाता था टी कॉस थीटा और ये क्या बैलेंस करता था एम जी, तो हमने देखा। और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता था टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये फोर्स और मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की बात इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज क्यू,
और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था एम जी। तो हम लोगों ने टेन थीटा इसको इक्वेशन वन को अगर टू भी डिवाइड कर दें, आपको लेक्चर सीरीज देखनी पड़ेगी अगर आपने नहीं देखी है जिससे पहले वाली, तो वन बाई टू को डिवाइड करते तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एफ ए अपॉन एम जी। फिर हमने इस पे बताया था के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर इनके बीच की हमने डिस्टेंस ली थी एक्स, लीकेज ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन करके दिखाया था जिसमें हमारा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर 1 बाय 2 आया था माइनस। आप लेक्चर सीरीज को देखें, मेरी मतलब एडवाइस है अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप उसे देखेंगे तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तीन लेक्चर सीरीज और आएगी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ क्वेश्चन और गॉस के कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं 12th में तो उसके बाद वो पांच लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक की देखेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं चैप्टर्स को दो दिन में कवर करूं एक चैप्टर को, तो आप फिजिक्स की वीडियो 20-22 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे जिसमें से 8-10 दिन में इजी पार्ट कवर कर लेंगे। और आपने अगर 12th का पहले से पढ़ रखा है बड़े आराम से आप फिजिक्स में 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनमें से आपके 35 के ऊपर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर जाते हैं जो जिसके मैं नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आती है नेम रिएक्शन पूरी आती है और इनऑर्गेनिक में अगर आपने कोऑर्डिनेशन और जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी रीजनिंग की पी ब्लॉक डी ब्लॉक इन सब के अगर आप पढ़ के जाते हैं या एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में चाहें तो मिला के 35-35 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर सकते हैं। और फिर मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि फिजिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट करें, केमिस्ट्री भी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितना हो पाएगा करेंगे, फिजिकल 100% कंप्लीट करेंगे, बाकी आप लोग मैथ्स का अपना रिवीजन करेंगे। देखिए कोई कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने कि अ चार्ज बॉल बी या चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड एंगल थीटा विद लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। ये चार्ज कंडक्टिंग शीट हो गई, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे चार ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या आप देखिए, यहाँ पर अगर हमारा ये अगर इसके अगर हम कंपोनेंट बनाए उसी बॉल प्रॉब्लम की तरह जैसे हम लेक्चर नंबर 2 में बताया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा क्यूई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा हमारा क्यूई, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा टी साइन थीटा के। अब बॉल जब यहाँ पे आई है तो नीचे क्या लगेगा एम जी, अब यहाँ पे वही कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा थीटा और ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पर क्या है टी साइन थीटा की वैल्यू क्या है क्यू ई। अब आप कहेंगे वहां तो फोर्स ऑन वो आया था, तो अब यहाँ पर एक ही बॉल है, अगर एक और बॉल होती तो क्यू ई की जगह फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लेते, लेकिन यहाँ पे ये हमें पता है कि ये क्या है लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट, और कंडक्टिंग शीट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी और जो चार्ज की टोटल वैल्यू वो हमें गिवन रहेगी पेपर में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एम जी, ये वन हो गया ये टू हो गया, इसमें हमने क्या करेंगे इसमें हम डिवाइड कर देंगे वन और टू को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है सॉरी डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं हमें क्या चाहिए द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है ई की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू ई की जगह पे क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या है एम जी। तो आप देखो यहाँ पर थीटा किसके प्रोपोर्शनल है टेन थीटा, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड टेन थीटा, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये देखिए आई होप आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कराने का मोटिव ये है कि जो मैंने आपको पहले दो कॉम्पिटिटिव सीरीज पढ़ाई, बाकी आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं से भी पढ़े लेकिन जो दो वीडियोस हैं जो मैंने कॉम्पिटिटिव सीरीज करके स्पेशली बनाई है उसको आप करें। और ये क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है बीच के एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी तरीके से, पेंडुलम है और ये यहाँ से थ्रेड से लटका हुआ है बॉल, थोड़ी देर इलेक्ट्रिक फील्ड साइड तो पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम या एम जी जो भी मेगाग्राम जो भी मिलीग्राम में दिया है एंड कैरिंग अ चार्ज 20 नैनो कूलम इज इन रेस्ट, रेस्ट मतलब यहाँ पे था इन हॉरिजॉन्टल, समझ लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक विद द वर्टिकल।
एंटिल इट मेट विद द वर्टिकल। तो सबसे पहले फिर से वही कहानी, हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा, सबसे पहले हमें निकालना है टेन थीटा, तो हमें पता है यहां पर जो ये हमारा जो टी साइन थीटा है, ये क्या होगा हमारा क्यू इंटू फोर्स, क्योंकि यहां पर चार्ज की वैल्यू गिवन है, और यहां पर अगर ये हमारा बिल्कुल वैसे ही अगर हम कंपोनेंट कर दें तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा एम जी, जैसे हमने किया है क्वेश्चन। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी, चार्ज की वैल्यू गिवन है, बॉल में जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो पेंडुलम दिए थे केक्यू स्क्वायर में याद नहीं हो पा रहा, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो क्यू ई हमारा डायरेक्टली लग जाएगा, फोर्स की वैल्यू निकाली ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू ई भी तो होता है, चार्ज की वैल्यू क्या है टू इंटू टेन की पावर फोर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू ट्वेंटी नैनो कूलम, तो टू इंटू टेन की पावर एट, ट्वेंटी की जगह ट्वेंटी टेन की पावर माइनस नाइन लिखते तो एट लिख दिया, मास क्या है 80 मिलीग्राम, 80 इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स के जी, 80 टेन की पावर माइनस सिक्स ऐसे यूनिट में, और जी की वैल्यू क्या हो गई 9.8। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ए आई ट्रिपल में जेई मेंस में, तो मुझे क्वेश्चंस की वैल्यू याद है, अच्छा ये क्वेश्चन कभी बीएचयू में नहीं आया, मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि जिस तरीके से 2017 में आया तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है इस बार आईटी का भी, ठीक है, एक तो हमने कर लिया लास्ट लेक्चर सीरीज में, दो बार कर लिया, इसके बाद ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू आई वो आई 0.51, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.51 कितना आ जाएगा 27 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा हमारा 27 डिग्री, और टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है तो आप इसको फिर फाइंड आउट कर लेंगे, टेंशन के लिए हमें क्या निकालना है, ये टेंशन यहाँ लग रहा होगा, तो अगर हम लोग टेंशन निकालना है तो टेंशन के लिए आप इस ट्राइंगल को ले लें और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको निकाल दीजिए, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, अगर हम देखें तो ये टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी साइन थीटा, आप इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू तुरंत इसकी आप इसको निकाल लीजिए और इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेंशन के लिए आप लोग कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए, कल लेकर ही देता हूँ, तो ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा वैल्यू क्या है टी साइन थीटा, तो ये हमारा टेंशन के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू ई, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू ई अपॉन साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 27 डिग्री, 27 साइन 27 की वैल्यू क्या है 0.45 होती है, ये सब गिवन रहेगा, तो हमारा क्यू ई की वैल्यू आप पुट करेंगे और 0.45 रखेंगे वैल्यू, आपका टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि जो अगर आपको टफेस्ट क्वेश्चन आया बीएचयू में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो है, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, हम लोग करेंगे और दो तीन वीडियो लेक्चर और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कवर कर देंगे, इसके बाद हमारा आराम से हो जाएगा। तो द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर सीरीज आर इक्वली हेल्पफुल फॉर द ऑल द स्टूडेंट फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम, एक्सेप्ट आपको जेईई एडवांस लेवल के एग्जाम में कोई खास मदद नहीं मिलेगी इन लेक्चर सीरीज से, बाकी सारे मीडियम एग्जाम जो है एनडीए क्यूसेट सारे भी जितने एग्जाम है उनमें आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं वीडियो लेक्चर सीरीज से। ओके, थैंक यू।